वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों, आज हम लोग सेट में पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी किसी भी गिवन सेट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हम लोग टू टाइप्स पढ़ेंगे, यानी दो मेथड से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इन रोस्टर फॉर्म, हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट्स होता है उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं बाय सेपरेटिंग कोमा। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट्स के एलिमेंट को ना लिख करके उस एलिमेंट के प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, यानी गिवन एलिमेंट को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके बाद वो एक्स क्या चीज है वो चीज लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी उसके प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं और विद एग्जाम्पल समझ। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी दो टाइप का है। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। गुड, फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म, हम लोग इस फॉर्म में क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म, ठीक है, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इनसाइड द कर्ली ब्रेसेज, इनसाइड द कर्ली ब्रेसेज। कर्ली ब्रेसेज क्या होता है, ये देखो कर्ली ब्रेसेज, एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कोमा, सेपरेटेड बाय कोमा। ओके, तो इसमें क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में जो सेट का एलिमेंट है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिखते हैं और हर एक एलिमेंट को सेपरेट कर दिया जाता है कोमा से। और एक इंपॉर्टेंट बात और भी ध्यान रखना है इस फॉर्म में कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। एक एलिमेंट को कितने बार लिखा जाएगा, एक बार। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे टू है किसी सेट का एलिमेंट तो टू और टू दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स इसका रोस्टर फॉर्म का। जैसे सेट ए है मान लीजिए, तो इसके एलिमेंट्स जो है सेट ए का, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। तो ये सभी एलिमेंट्स हैं किसका, सेट ए का, और जितना भी एलिमेंट्स है वो किससे सेपरेट है, कोमा से। ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा एंड रिटेन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेज, एंड रिटेन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेज। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए सेट बी, जैसे इसमें ए ई आई ओ यू, ओके, ठीक है। तो ये जो रोस्टर फॉर्म है, दैट इज टेबुलर फॉर्म, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा फॉर्म है बच्चों, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इन द सेट बिल्डर फॉर्म
जो एलिमेंट्स है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ना लिख करके हम लोग उस एलिमेंट को प्रॉपर्टी को लिखते हैं, यानी जो एलिमेंट्स है यानी जो सेट है दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय क्रेट या फिक्स्ड प्रॉपर्टीज या यूनिक प्रॉपर्टीज विच रिप्रेजेंट्स द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से सुनो, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्ट ना लिख करके एक प्रॉपर्टी लिखते हैं जो उस एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करता है, जो उस एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब अच्छा ये सेट बिल्डर फॉर्म का मैं जरूरत क्यों पड़ा, सपोज दैट बच्चों किसी सेट का बहुत सारे एलिमेंट है, मतलब किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, या तो किसी सेट में मान लीजिए 1000 भी एलिमेंट्स है, तो क्या ये पॉसिबल है सारे एलिमेंट्स को लिखना जैसे 1000 है। किसी सेट्स का अगर मान लीजिए 1000 एलिमेंट्स है तो क्या ये पॉसिबल है कि सारे एलिमेंट्स को हम लिख लें इस तरह से, है ना, पॉसिबल तो है बट क्या होगा, स्पेस भी ज्यादा लेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो फिर हम लोगों ने क्या सोचा, मैथमेटिशियन ने क्या सोचा कि भैया ऐसे सिचुएशन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो लोगों ने क्या सोचा कि ये सभी एलिमेंट्स को ना लिख करके इसके प्रॉपर्टी को लिख दिया जाए, यानी एक ऐसा प्रॉपर्टी लिखा जाए जो गिवन सेट्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, समझ वाली बात। तो क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए पी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए P4 प्रॉपर्टी, और ये एक्स हो गया एलिमेंट, मतलब ये जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग जैसे एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। कैरेक्टराइज बाय प्रॉपर्टी पी एक्स, कैरेक्टराइज बाय प्रॉपर्टी पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। यानी क्या है, देखो एलिमेंट को हम लोगों ने एक्स रिप्रेजेंट किया, मतलब एलिमेंट को एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि एक्स रिप्रेजेंट किया हुआ ही मिलेगा। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट किया ही मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। एंड दिस इज P4 प्रॉपर्टीज। अन्य सीधी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप चाहो तो इसको अपने लैंग्वेज में समझ लो और इसको लिख लो कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर ना लिख करके हम उसके एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, यानी कहने का मतलब हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं और ऐसा प्रॉपर्टी लिखते हैं जो उस सेट के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। तो यहां पर वही लिखा है, इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, यानी सेट को वर्णन किया जाता है कैरेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी। कैरेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो गिवन एलिमेंट्स के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी गिवन एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। तो कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट्स, मतलब इसके एलिमेंट के कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी को लिखा जाता है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सर लिखा कैसे जाता है, मतलब रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो इसका फॉर्म कैसा होता है, देखो फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर, इसका फॉर्म कैसा होता है सेट बिल्डर फॉर्म का, A इक्वल टू हम लोग लिखते हैं x, क्या लिखा जाता है x, मतलब
ये सभी एलिमेंट्स को ना लिख करके एक आर्बिट्ररी वेरिएबल लिख दिया जाता है एक्स, और फिर इसके बाद हम एक करेक्टराइज प्रॉपर्टी लिख देते हैं। यहां क्या लिख देते हैं? करेक्टराइज प्रॉपर्टी पी एक्स लिख देते हैं, यानी पी एक्स जो प्रॉपर्टी है होल्ड करता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी पी एक्स होल्ड्स, मतलब जो पी एक्स प्रॉपर्टी को होल्ड्स करता है वो चीज लिखा जाता है। अच्छा, इस साइन के जगह पे आपको दूसरा साइन भी मिलेगा, जैसे एक्स फिर स्लैश प्रॉपर्टी पी एक्स होल्ड्स, जो पी एक्स प्रॉपर्टी रखता है वो चीज। इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे एक्स डायरेक्ट वर्टिकल लाइन, ये देखो स्लैश था और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, और प्रॉपर्टी पी एक्स जो होल्ड करता है। यानी कहने का मतलब यहां हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, यानी कहने का मतलब यहां प्रॉपर्टी लिख दिया जाता है एलिमेंट्स का, करेक्ट। अब ये जो साइन है, जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो ये जो साइन है यहां पर, मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर इस साइन को कौन कौन सा साइन, जैसे ये वाला हो गया, या तो ये भी साइन मिलेगा आपको, ये वाला सेमी कॉलम, या तो आपको ये स्लैश मिलेगा, या तो आपको ये वर्टिकल लाइन मिलेगा। ये सभी साइन को यहां हम लोग पढ़ते हैं रीड एज सच दैट, क्या पढ़ा जाता है, रीड एज सच दैट, इसको रीड एज सच दैट पढ़ते हैं, यानी क्या पढ़ते हैं इसको, सच दैट, जैसे एक्स सच दैट प्रॉपर्टी पी एक्स होल्ड्स, एक्स सच दैट प्रॉपर्टी पी एक्स होल्ड्स, एक्स सच दैट प्रॉपर्टी पी एक्स होल्ड्स, मतलब ये जो प्रॉपर्टी रखेगा वही चीज। जैसे एग्जांपल यहां पर आप समझो इसको, जैसे बच्चों इसी को हमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने क्या किया, एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, एक्स, ओके सच दैट। अब हमें बताना पड़ेगा ना कि एक्स कौन है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होता है सेट के, वो एलिमेंट्स को एक आर्बिट्ररी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और फिर हम लोग सच दैट का साइन लगा करके उसके बाद हम लोग बताते हैं कि एलिमेंट ये कौन है। क्या करते हैं हम लोग, बताते हैं कि ये एलिमेंट कौन है, बताना पड़ेगा ना। जैसे मैं इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं, तो मैंने क्या किया, ये सभी एलिमेंट्स के, इस सभी एलिमेंट्स को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं एक्स से, आर्बिट्ररी वेरिएबल। अब हमें बताना है कि ये एक्स कौन है, हमें क्या बताना है, ये एक्स कौन है बताना पड़ेगा। तो ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 को, तो आप बताइए ये 1 2 3 4 5 6 7 कौन है। तो कोई भी स्टूडेंट जो जानता है नंबर को, जो पहचानता है, वो बोलेगा सर ये नेचुरल नंबर है, क्या है ये, नेचुरल नंबर। तो हम अब इतना पता कर लिए कि ये जो हम लोगों ने इस सारे एलिमेंट्स को आर्बिट्ररी वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट किया, वो जो है ये सभी नेचुरल नंबर है। तो हम सच दैट के बाद लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या अभी कंप्लीट हो गया, क्या ये रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट हो गया इसका, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इतना लिख करके छोड़ देते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन यू नो दैट द नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी तक जाता है ना। हमने तो लिख दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मीनिंग हुआ कि सारे नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो अगर हम इसको रोस्टर, इस रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये तो हमने लिखा कि ये इसको रिप्रेजेंट किया एक्स से सारे एलिमेंट को, और हमने लिखा कि एक्स नेचुरल नंबर है क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर है। लेकिन आप देखो नेचुरल नंबर सारे नहीं लिखे हुए हैं, कहां तक लिखा हुआ है, ये नेचुरल नंबर सभी नहीं लिखा हुआ है,
ये कहाँ तक लिखा हुआ है? 7 तक। तो हम क्या लिख देंगे? एंड x लेस देन इक्वल टू 7। क्या लिख दिया? x इज लेस देन इक्वल टू 7। अब कंप्लीट हो गया, करेक्ट। तो आप लोगों को बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म आई थिंक अब आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये दूसरा सेट जो b है, अगर इसका मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो क्या लिखेंगे? b इक्वल टू x सच दैट। अब ये लोग कौन है? ये सारे एलिमेंट कौन है? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है। तो सच दैट के बाद हम लिख देंगे x r x इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो कोई भी स्टूडेंट जैसे इसको पढ़ेगा कि b इक्वल टू x सच दैट x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो तुरंत माइंड में आएगा कि x क्या होगा? a e i o u, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, करेक्ट। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग समझ लिए कि ये रोस्टर फॉर्म होता है और इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कन्वर्ट करना सीखते हैं कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसके एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी जो गिवन सेट है वो आप देखो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। जितना भी सेट्स हमें यहाँ गिवन है जो आप देख रहे हो, ये सभी सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ओके? तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। और देखो बहुत ही इजी है ना, बहुत ही आसान है लिखना, केवल हमें लिखना है कौन सा फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में, दैट इज इन टेबुलर फॉर्म। तो जैसे देखो फर्स्ट है, इसको कैसे लिखें? बोला है क्या, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये जो x है हमारा ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अब अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी जाता है, तो अपन सारा नहीं लिख सकते हैं। चलो और कुछ कंडीशन गिवन है, यानी और भी प्रॉपर्टी गिवन है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। जब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25 जब हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या आएगा? एक्स इज लेस देन 5 आएगा। कैसे आएगा लेस देन 5? दोनों साइड रूट ले लेंगे। चलो देखो दोनों साइड हम रूट ले लिए, इधर भी रूट ले लिया और इधर भी रूट ले लिया। और इनइक्वालिटी आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि रूट हम दोनों साइड, स्क्वायर रूट दोनों साइड तभी ले सकते हैं जब इधर भी पॉजिटिव नंबर हो और इधर भी पॉजिटिव नंबर हो। तो बेटा जो रूट आता है वो क्या आता है, कैसा नंबर आता है? प्लस। कैसा आता है? प्लस, ठीक है। यहां पर हम x को देखो, x बोला है नेचुरल नंबर, तो इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, x बोला है नेचुरल नंबर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो प्लस एक्स होगा, क्योंकि एक्स नेचुरल नंबर है। तो एक्स लेस देन क्या हो गया बेटा? 5। तो ये जो लिखा था सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 25, तो x स्क्वायर इज लेस देन 25 इसका मतलब क्या हुआ? x इज लेस देन 5 और x क्या चीज है? नेचुरल नंबर है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ओनली। देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3, 4, 4 तक हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहां बोला गया है कि x जो है वो लेस देन 5 है, मतलब 5 से छोटा नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका 1, 2, 3, 4, करेक्ट। सेकेंड का आंसर बोला गया x सच दैट x इज एन इंटीजर। अच्छा x बोला गया इंटीजर है, लेकिन कौन कौन सा इंटीजर है? यहां बता दिया, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं,
तो अगर केवल इतना ही लिख के छोड़ देता x इज एन इंटीजर, तो जो भी इंटीजर है सबको हम लोग रिप्रेजेंट करते। वैसे इंटीजर कितना है, इंटीजर तो इन्फाइनाइट है, तो सभी को लिखना पॉसिबल नहीं है। वैसे यहाँ दिया क्या है, वैसे यहाँ पर क्या गिवन है, x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप समझो ऐसे, x इज ग्रेटर देन 1/2 इज 0.5, मतलब ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 9/2 कैन बी रिटन एज 4.5। मतलब x इंटीजर है और कौन सा इंटीजर लेना है, जो 0.5 से लेकर के 4.5 तक हो। तो थोड़ा सा आप लोगों को नंबर, रियल नंबर लाइन पता हो, यहाँ 0 होता है बच्चों, यहाँ -1 होता है, और -0.5 कहाँ होगा, यहाँ बीच में होगा, और इधर 4.5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 4.5 कहीं बीच में होगा। तो क्या बोला गया है कि x इंटीजर है, इंटीजर का मतलब पूरा पूरा नंबर, प्लस और माइनस में पूरा नंबर, मतलब होल नंबर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पूरा होल नंबर। तो x जो है वो इंटीजर है, 0.-0.5 से लेकर के 4.5 के बीच वाला, मतलब यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से -0.5 से बड़ा ये और 4.5, तो 0.5 से लेकर के -0.5 से लेकर के -0.5 होगा, -0.5 से लेकर के 4.5 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है, 0, 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड का, सेकेंड का रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, दिस इज योर आंसर। थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा, कि x सच दैट x इज अ वॉवेल इन द वर्ड, यानी जो गिवन वर्ड है उसमें जो वॉवेल है वही x है, वही क्या है, x है। तो इस वर्ड में वॉवेल कौन कौन है, ई है, यू है, ए है, आई है और ओ है। वॉवेल आप पहचानते हो, जो मैंने टिक लगाया है इक्वेशन में, देखो ई यू आई ओ, तो वॉवेल्स हमें लिखना है, केवल वॉवेल्स लिखना है कि एक्स क्या चीज है, एक्स इज अ वॉवेल इन द वर्ड, इस वर्ड में जो जो भी वॉवेल है वही केवल आएगा। तो कौन कौन सा वॉवेल है, ई यू ए आई, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चों फोर नंबर, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड, मतलब क्या है, मिसिसिपी जो वर्ड दिया है इसमें जो लेटर्स है वही क्या है, एक्स है। अब ये मैं क्यों लिखा, इसमें समझाने के लिए इसलिए लिखा, देखो बेटा इसमें कौन कौन सा लेटर है, तो आप इसका ऐसे मत लिख देना रोस्टर फॉर्म कि एम है तो एम कोमा आई कोमा एस, देखो एम कोमा आई कोमा एस कोमा एस कोमा आई कोमा एस कोमा एस कोमा आई पी पी आई, मतलब आप ऐसे मत लिख देना। देखो ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए बेटा कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि एक एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। यहां पर क्या हुआ बेटा, देखो एस जो एलिमेंट है वो चार बार लिखा गया, एस जो एलिमेंट है वो कितने बार लिखा गया, चार बार, जबकि एक ही बार लिखना है, तो इसलिए बेटा ये गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, सही क्या होगा, जैसे एम आई और कौन सा लेटर है, देखो लिखा है क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड, केवल लेटर लिखना है, ऐसा नहीं कि हम सारे लेटर्स को लिख दें, मतलब रिपीटेड लेटर्स को, जैसे एस चार बार है तो चार बार हम एस लिखे यहां, ठीक है। तो एम आई, देखो एस आ गया बेटा, और कौन छूट गया, केवल पी छूटा है, तो पी यही आएगा बेटा, देखो यही चार लेटर हैं केवल इसमें, इसमें चार ही लेटर है, एम आई है, एस है और बेटा पी है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट फाइव नंबर, फाइव नंबर को समझो बाबू, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स कैसा इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर एंड डिविजिबल ऑफ नाइन, डिविजिबल ऑफ नाइन का मतलब वैसा पॉजिटिव इंटीजर जिससे नाइन में भाग लग जाए। डिविजर ऑफ नाइन का मतलब क्या हुआ, वे नंबर
वे नंबर जिससे जिससे नाइन को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड वे नंबर जिससे नाइन को डिवाइड कर सकते हैं उसी को क्या बोला जाता है, डिवीजर। तो नाइन का डिवीजर क्या होगा बेटा बताओ, और कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा देखो पॉजिटिव इंटीजर में जैसे वन आता है तो क्या वन से नाइन को डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल हाँ, तो वन भी आ जाएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है बेटा, टू, तो क्या टू से नाइन को डिवाइड कर सकते हैं, टू से नाइन को डिवाइड कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, तो टू नहीं आएगा। थ्री से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ थ्री से कर सकते हैं, नाइन से कर सकते हैं, हाँ नाइन से भी कर सकते हैं, बताओ नाइन को नाइन से कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो आप लोग कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ लेकर के आ रहा हूं, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ओके, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कैसे चेंज करेंगे इस चीज को। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें जो क्वेश्चन गिवेन है, जो सेट गिवेन है, उसको हम लोग को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोले तो प्रॉपर्टी के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए इसको लिखा जाए सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा, एक्स सच दैट, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, 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 मतलब एक्स क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर है कौन सा वर्ड का, प्रोबेबिलिटी का। तो ये बहुत ही सिंपल था इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना। सेकेंड का देखो बच्चों, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग किस कैसे लिखते हैं बताओ, कैसे लिखा जाता है, एक वेरिएबल, आर्बिट्ररी वेरिएबल लेते हैं एक्स सच दैट, और फिर हम लोग आगे बताते हैं कि ये एक्स क्या चीज है, यानी प्रॉपर्टी लिखा जाता है जो एक्स को बिलोंग करता है और जो रिप्रेजेंट करता है वो सारे एलिमेंट्स को। तो जैसे क्या है, एक्स सच दैट, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का लेटर है। द सेट ऑफ ऑल इवेंट नेचुरल नंबर, तो जैसे ऑल इवेंट नेचुरल नंबर्स को हम लोग आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताना पड़ेगा ना एक्स कौन है, कौन है एक्स, ऑल इवेंट नेचुरल नंबर। अच्छा, इवेंट, इवेंट बोल रहा है, इवेंट मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें टू से डिवाइड हो जाता है, इवेंट का मतलब जो टू से डिवाइड हो जाता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, जो टू का मल्टीपल होता है, दूसरे भाषा में बोले तो इवेंट नंबर कौन होता है, जो टू का मल्टीपल होता है, यानी टू उसका एक फैक्टर होता है। तो इसका मतलब एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू टू एन। देखो ये इवेंट नंबर हमेशा होगा क्योंकि टू एक फैक्टर है। तो यहां जैसे बोला इवेंट, तो इवेंट तो हो गया, लेकिन आगे क्या लिखा है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कब होगा, जब ये नेचुरल नंबर एन, एन जो है वो भी नेचुरल नंबर होगा, मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब तुम खुद सोचो बच्चों, अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, रीचेक कर लो कि सही है या नहीं, तो बताओ n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो जैसे 1 रखेंगे यहां पर, n के जगह 1 रखेंगे, तो x इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 कैसा नंबर है, इवेंट नेचुरल नंबर है। n का वैल्यू नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 रखेंगे तो ये 4 आएगा, 4 भी नेचुरल नंबर है, इवेंट नेचुरल नंबर है। एन का वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 6 इज आल्सो एन इवेंट नेचुरल नंबर। सो हमारा ये रोस्टर फॉर्म में बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन बच्चों क्या लिखा है, देखो
वन बाई टू, टू बाई थ्री, थ्री बाई फोर, तो ये सभी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से। एक्स एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया, अब एक्स बताना पड़ेगा कौन है, तो एक्स कौन है, ये सभी है, तो ये सभी का प्रॉपर्टी लिखना है हमें। तो आप देखो बच्चों एक्स इक्वल टू रैशनल फॉर्म में है, तो ऐसा करते हैं देखो ऊपर में क्या है वन, तो नीचे क्या है टू, यानी नीचे एक ज्यादा है, ऊपर टू है तो नीचे क्या है थ्री, मतलब एक ज्यादा है, तो ऊपर को अगर हम एन ले लें और नीचे को लिख दें एन प्लस वन तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमको बताना पड़ेगा ना कि एन कौन है, तो बताओ ऊपर में जो लिखा है वो कौन है, ऊपर में जो न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है वो कौन है, नेचुरल नंबर है, तो हम यहां लिख देते हैं एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोमा लगा करके एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन ये एन का वैल्यू देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट कहां तक गया है, नाइन तक बच्चों, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा एन इज लेस देन इक्वल टू नाइन, हमें यह भी लिखना पड़ेगा n इज लेस देन इक्वल टू नाइन, यानी n तो नेचुरल नंबर है लेकिन कहां तक गया है नाइन तक। देखो जब आप n का वैल्यू नाइन लोगे तो नाइन बटे नाइन प्लस वन यानी नाइन बाय टेन आ जाएगा, मतलब बिल्कुल सही है। n का वैल्यू वन लोगे तो वन बाय टू आ जाएगा, देखो आ रहा है करेक्ट। तो इसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते, देखो फोर नंबर एक्स आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, आप बताओ बच्चों देखो ये वन है ना, वन को लिख सकता है वन बाय वन, इस वन को क्या लिख सकते हो वन बाय वन, तो एक्स इक्वल टू बताओ बच्चों न्यूमरेटर में क्या है, क्या है न्यूमरेटर देखो सभी का वन 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 वन, मतलब फिक्स है, तो ऊपर फिक्स कर दिया, और नीचे क्या है बच्चों देखो वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव, तो ये वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव क्या है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। देखो वन क्या होगा वन का स्क्वायर, फोर क्या है टू स्क्वायर, नाइन क्या है थ्री स्क्वायर, आप इसको अगर देखो बढ़िया से तो दिस इज टू स्क्वायर, दिस इज थ्री स्क्वायर, दिस इज फोर स्क्वायर एंड दिस इज फाइव स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हम क्या लिख दें नीचे एन स्क्वायर, अब बताना पड़ेगा कि ये एन कौन है, तो एन देखो कौन है टू थ्री फोर फाइव, मतलब बच्चों एन नेचुरल नंबर है, और लास्ट कहां तक गया है ये देखो इनफाइनाइट डॉट डॉट का मतलब चलता जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग केवल लिख देंगे कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब इस तरह ये चलता रहेगा नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका कि एन का वैल्यू स्मॉल एन का वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सो ऑन, तो यहां भी तो है सो ऑन, अगर यहीं तक लिखा रहता तो हमें लिखना पड़ता इसी तरह से ना कि एन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू फाइव। अच्छा ये नाइन एन लेस देन इक्वल टू जो नाइन लिखे हो इसके जगह पर आप एन लेस देन इक्वल टू टेन भी लिख सकते हो, यहां केवल लेस देन है मतलब टेन से केवल छोटा, यहां क्या इक्वल टू भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर नंबर एंड लास्ट वन इज फाइव, क्या है फाइव ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव, आपको ये लग रहा है क्या है, देखो ये फाइव का पावर वन है बेटा, ये फाइव का स्क्वायर है बेटा, ये फाइव का क्यूब है, और ये फाइव का पावर फोर है, तो ये सभी एलिमेंट को हम एक्स मान लिए सच दैट एक्स कौन है फाइव का पावर एन है, और ये एन क्या चीज है बेटा, एन क्या है नेचुरल नंबर है, देखो x इक्वल टू फाइव पे पावर n, मतलब n का वैल्यू क्या है वन, n का वैल्यू क्या है टू, n का वैल्यू क्या है थ्री बेटा, n का वैल्यू क्या है बेटा फोर, तो ये वन टू थ्री, ये वन टू थ्री फोर क्या है बेटा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है लेकिन कहाँ तक गया है बेटा केवल फोर तक, तो यहाँ लिख देंगे n लेस देन फाइव, मतलब पाँच तक ही जाएगा, तो ये बेटा रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में जो आप लिखोगे वो आंसर बुक में जो गिवेन आंसर है उससे वेरी कर सकता है, उससे डिफरेंट हो सकता है, तो आप चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है या गलत है। कैसे चेक करोगे, देखो जैसे इसको चेक करना है सही है गलत है, तो n इज नेचुरल नंबर, मतलब ये पावर जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या है बेटा वन, तो n के जगह वन रखोगे बेटा क्या आएगा फाइव, मतलब सही है। फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है बेटा टू, मतलब 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 25,
एन का वैल्यू 3 तो 125 आएगा, एन का वैल्यू 4 रखोगे बेटा 5 पे पावर 4 यानी 625 आने वाला है। अब यहीं तक खत्म हो गया, मतलब एन का वैल्यू कहाँ तक गया बेटा 4 तक यानी नेचुरल नंबर 4 तक, तो हमने लिख दिया एन लेस देन 5 मतलब 4 तक ही तो जा सकते थे। तो आप इस तरह से आंसर रीचेक कर सकते हैं, मतलब जो आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है फिर से आप उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो, अगर वही आता है जो क्वेश्चन में गिवन है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या देखा सेट थ्योरी में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वैसे सेट थ्योरी का हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ये मैथमेटिक्स के आगे के चैप्टर में हर एक जगह काम आएगा, जैसे खास करके कैलकुलस में। तो कैलकुलस में क्या होता है, इस तरह सेट लिख दिया जाता है बच्चों, तो आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, ये क्या लिखा हुआ है इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए सेट थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एक चीज़ आपको नहीं भूलना है, क्या चीज़, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट भी आप कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, है ना, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और इसी तरह से आपको एकदम रेगुलर लेक्चर्स मिलता रहेगा, रेगुलर लेक्चर हम अपलोड करते रहेंगे एकदम चैप्टर बाय चैप्टर। तो चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर देखना है तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और अगर रेगुलर टेस्ट और रेगुलर स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट अगर आप चाहते हैं तो हमारा स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ओके, डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करिए और फिर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। थैंक यू बच्चों।